फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट एग्जाम पेपर 2018 के क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 को डिस्कस किया गया है। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, जेसुट्स पार्क इज द सिनोनिम ऑफ। ऑप्शन ए सिनामोन, ऑप्शन बी कुर्ची, ऑप्शन सी सिनकोना एंड ऑप्शन डी अश्वगंधा। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि सिनकोना। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जेसुट्स पार्क की, तो इसको हम सिनकोना पार्क या फिर पेरूवियन पार्क या फिर चाइना पार्क भी कहते हैं, एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सिनकोना ऑफिसिनेलिस फैमिली रूबिएसी। कई बार इसकी फैमिली के बारे में भी पूछा जाता है, तो आपको फैमिली पता होना चाहिए, इसकी फैमिली रूबिएसी होती है। द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्विनिन, जो कि एक प्रकार की एंटी मलेरियल ड्रग है, इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्क और स्टेम ऑफ दिस प्लांट। इसके बार्क या स्टेम से ही ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ट्यूबरक्लोसिस इज डायग्नोस्ड बाई। ऑप्शन ए विडाल टेस्ट, ऑप्शन बी एलिजा टेस्ट, ऑप्शन सी मोंटॉक्स टेस्ट एंड ऑप्शन डी एलर्ट्स मेथड। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर होना चाहिए इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि मोंटॉक्स टेस्ट। फ्रेंड्स, मोंटॉक्स टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड द माइकोबैक्टीरियम जीनस गिव्स एसिड फास्ट स्टेनिंग। अगर इसका हम आइडेंटिफिकेशन करें, तो हम इसको एसिड स्टेनिंग से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये माइकोबैक्टीरियम हमेशा एसिड फास्ट शो करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एलिजा, जिसका पूरा नाम है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, एंड इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एंटीबॉडी इन ब्लड। इसी तरीके से विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट टाइफाइड, विच इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सी एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन सी पर्टुएसिस एंड ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। तो फ्रेंड्स, इसका क्या आंसर होना चाहिए, यानी कौन सी इसमें से कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस। फ्रेंड्स, द काउजेटिव ऑर्गेनिज्म पास और कैरिड फ्रॉम पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, एंड कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आर इन्फेक्टेड बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक से होने वाली कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करें, तो सबसे पहले वूपिंग कफ, जिसको हम बोलते हैं पर्टुएसिस या काली खांसी, और ये होता है बोर्डेटेला पर्टुएसिस से। इसी तरीके से डिप्थीरिया, ये होती है कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया से। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। चिकन पॉक्स पोक्स वायरस या वेरिसेला जोस्टर वायरस से होती है। एंड मिसल्स आरएनए पेरामिक्सो वायरस से होती है। इसी तरीके से अभी लेटेस्ट एक और कम्युनिकेबल डिजीज चल रही है, वो है आपकी COVID-19, जो कि कोरोना वायरस से होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एन एग्जाम्पल ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट इज। ऑप्शन ए मिथोट्रेक्सेट, ऑप्शन बी मिटोमाइसिन सी, ऑप्शन सी डोनोरुबिसिन एंड ऑप्शन डी 5-फ्लोरोयूरेसिल। तो फ्रेंड्स, इसमें से एल्काइलेटिंग एजेंट का कौन सा एक एग्जाम्पल है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि मिटोमाइसिन सी। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मिथोट्रेक्सेट की, तो ये एक प्रकार का फोलिक एसिड एनालॉग है। 5-फ्लोरोयूरेसिल आपका पिरिमिडिन एनालॉग है, एंड डोनोरुबिसिन आपकी एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल्स की, तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड, जिसके एग्जाम्पल रहेंगे मेक्लोरेथामिन, साइक्लोफोस्फामाइड, आइफोस्फामाइड, क्लोरेम्ब्यूसिल एंड मेलफलान।
इसी तरीके से इथाइल एनिमीन, एल्काइल सल्फोनेट्स, तो इसके एग्जाम्पल है थायोटेपा एंड अल्ट्रेटेन, जिसको हम हेक्सा मिथाइल मेलामिन भी कहते हैं। नाइट्रोसुल यूरिया, इसके एग्जाम्पल रहेंगे कार्मस्टीन एंड लोमस्टीन। ट्राई एजेंट्स के एग्जाम्पल रहेंगे डे कार्बाजीन, टेमोजोलोमाइड एंड प्रोकार्बाजीन। इसी तरीके से एल्काइल सल्फोनेट के एग्जाम्पल रहेंगे ब्यूसल्फान, और एंटीबायोटिक स्पेशली मिट्रोमाइसिन सी इज आल्सो एन एल्काइलेटिंग एजेंट। इट इज एक्टिवेटेड इन वाइवो इन बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल एल्काइटिंग एजेंट। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कईयों को पता नहीं रहता है कि मिट्रोमाइसिन सी इन वाइवो एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह काम करती है, तो यहाँ आपका आंसर मिट्रोमाइसिन सी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड इन, यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जनरली किसमें ड्राइड किए जाते हैं? ऑप्शन ए लायोफिलाइजर, ऑप्शन बी वैक्यूम ड्रायर, ऑप्शन सी स्प्रे ड्रायर एंड ऑप्शन डी रोटरी ड्रायर। तो फ्रेंड्स क्या आंसर होना चाहिए इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि लायोफिलाइजर। फ्रेंड्स लायोफिलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग, जिसे हम फ्रीज ड्राइंग भी बोलते हैं, इट इज ए प्रोसेस वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स बिकॉज इट अलाउज ग्रेटर स्टोरेज स्टेबिलिटी फॉर लेबाइल बायोमोलिक्यूल्स। इट प्रोवाइड ए कन्वीनियंट स्टोरेज एंड सीपेज फॉर्मेट एंड फॉलोइंग रिकंस्टिट्यूशन rapidly delivers the product in its original formulation ready for use. अगर हम इसे वापस reconstitute करते हैं तो ये वापस original formulation में ready for use में भी काम आ जाता है। Next question देखते हैं, question number 6। केलामाइन is option A basic zinc oxide, option B basic zinc sulfate, option C basic zinc carbonate and option D basic zinc hydroxide। तो friends क्या answer होना चाहिए इसका? The right answer is option A, यानी कि बेसिक जिंक ऑक्साइड। फ्रेंड्स केलामाइन इज बेसिक जिंक ऑक्साइड विथ 0.5% फेरिक ऑक्साइड। इसके अंदर 0.5% फेरिक ऑक्साइड भी साथ में होता है। फ्रेंड्स बेसिक जिंक ऑक्साइड वर्क एज एस्ट्रिंजेंट वाइल फेरिक ऑक्साइड वर्क एज एंटी प्रोराइटिक एजेंट। इट इज यूज टू ट्रीट माइल्ड इचिंग कोज्ड बाय सनबर्न, इंसेक्ट बाइट, आईवी पॉइजनिंग एंड अदर स्किन कंडीशन। फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में और पूछा जाता है, वो ये है कि द पिंक कलर ऑफ केलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोट्रामोक्साजोल इज ए मिक्सचर ऑफ सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रीम इन द रेशियो। ऑप्शन ए 5:1, ऑप्शन बी 1:5, ऑप्शन सी 4:1 एंड ऑप्शन डी 1:4। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आपको मालूम ही होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि 5:1। हमने पहले ही बताया था सल्फामेथोक्साजोल में एस होता है वो 5 की तरह होता है, तो उसको हमें 5 लेके चलना है। अगर ये ट्राइमेथोप्रीम वर्सेज सल्फामेथोक्साजोल का पूछता तो 1:5 आता, इसने सल्फामेथोक्साजोल पहले ले लिया है तो पहले 5 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कोट्रिमोक्साजोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रीम एंड सल्फामेथोक्साजोल। यहाँ पे हमने सल्फामेथोक्साजोल को बाद में ले लिया है तो इसलिए हम लिखा 1:5। फ्रेंड्स इन दोनों की टी हाफ लाइफ सेम होती है, यानी कि 10 hours रहेगी एंड इन ब्लड कंसंट्रेशन रीचेज टू 1:20। फ्रेंड्स सल्फोनामाइड एक्ट बाई इनहिबिटिंग फोलेट सिंथेटाइज एंजाइम। फोलेट सिंथेटाइज को सल्फोनामाइड इनहिबिट करते हैं, जबकि हम बात करें ट्राइमेथोप्रीम या पायरीमेथामिन की तो दीज इनहिबिट फोलेट रिडक्टेज एंजाइम। फ्रेंड्स बोथ ड्रग्स हो सिनर्जिस्टिक एक्शन बिकॉज बोथ इनहिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। और अगर इनका रेशियो सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रीम के रूप में रहेगा तो वो है 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। HLB वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट बिटवीन 7 to 9 इज यूज एज। ऑप्शन ए डिटर्जेंट, ऑप्शन बी वेटिंग एजेंट, ऑप्शन सी WBO एमल्सिफाइंग एजेंट एंड ऑप्शन डी एंटी फोमिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को राइट करने के लिए आपको HLB स्केल की वैल्यूज पता होनी चाहिए, और अगर हम क्वेश्चन के अनुसार देखें तो 7 से लेके 9 के बीच में जो आपकी HLB वैल्यू रहेगी वो रहेगी वेटिंग एजेंट की। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं HLB वैल्यू स्केल के बारे में। तो अगर फ्रेंड्स किसी सर्फेक्टेंट की वैल्यू 6 से कम है तो वो जनरली हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, अगर किसी की वैल्यू 6 से लेके 9 के बीच में है तो वो वाटर डिस्पर्सिबल नेचर के होते हैं, और अगर 9 से अबो है तो वो हाइड्रोफिलिक नेचर के सर्फेक्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें एंटी फोमिंग एजेंट की तो इनकी HLB वैल्यू रहेगी 2 से लेकर 3 तक। WBO एमल्सिफाइंग एजेंट की HLB वैल्यू रहेगी 3 से लेकर 6 तक।
वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट की बात करें तो इनकी एचएलबी वैल्यू रहती है 7 से लेकर 9 तक। ओ बाई डब्ल्यू एमल्सीफाइंग एजेंट की एचएलबी वैल्यू रहेगी 8 से लेकर 16 तक। डिटर्जेंट की एचएलबी वैल्यू 13 से 15 तक एंड सोल्यूबलाइजिंग एजेंट की एचएलबी वैल्यू रहेगी 15 से 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मेडिकेटेड एल्कोहलिक लिक्वर्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रो वेजिटेबल जूसेस विथ हनी और जैगरी आर कॉल्ड, यानी शहद और गुड़ के साथ में अगर कोई मेडिकेटेड एल्कोहलिक लिक्वर्स प्रिपेयर की जाती है फर्मेंटेशन के द्वारा तो उस प्रिपरेशन को क्या कहा जाता है आयुर्वेदा के अंदर। ऑप्शन ए अर्क, ऑप्शन बी अरिष्ठा, ऑप्शन सी आश्व एंड ऑप्शन डी आंवला। तो फ्रेंड्स आयुर्वेदा के अनुसार जो ऐसी प्रिपरेशन रहेगी उसको हम जनरली आश्व कहेंगे। फ्रेंड्स अगर हम अर्क की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ लिक्विड प्रिपरेशन ऑप्टेंड बाई डिस्टिलेशन ऑफ फ्रेश फ्लावर एंड सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट कंटेनिंग वोलेटाइल कंस्टिट्यूएंट। अरिष्टा की बात करें तो दीज आर वीक एल्कोहलिक प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड बाई द मेकिंग ए डिकॉक्शन ऑफ द ड्रग एंड देन अलाउंग देम टू अंडरगो फर्मेंटेशन बाई द हेल्प ऑफ रॉ शुगर और हनी। जबकि आपकी अश्व रहेगी वो मेडिकेटेड एल्कोहलिक लिक्वर्स प्रिपरेशन रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं अवले। फ्रेंड्स इट इज शुगर बेस्ड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज। इट इन्वॉल्व इवेपोरेटिंग द क्वाथ टू सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी एंड देन एडिंग मेडिकामेंट स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर्म यूज फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन इज। ऑप्शन ए फॉर्म 20, ऑप्शन बी फॉर्म 20A, ऑप्शन सी फॉर्म 21 एंड ऑप्शन डी फॉर्म 21A। तो फ्रेंड्स ऐसी ड्रग्स जो कि शेड्यूल सी और सी वन में इंक्लूड है और उनकी अगर हमें रिटेल में सेलिंग करनी है, स्टॉक करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उनके लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि फॉर्म 21। फ्रेंड्स अगर हम बात करें इन वेरियस फॉर्म्स की तो हमने पहले ही फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस के वीडियो में इसको डिटेल में समझाया था। अगर आप वेरियस फॉर्म्स को ट्रिक की मेथड से लर्न करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें जिससे वीडियो के अंत में आप उसको भी ओपन करके देख सकें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टेबलेट इज नॉन एज। ऑप्शन ए केपिंग, ऑप्शन बी पिकिंग, ऑप्शन सी स्टिकिंग एंड ऑप्शन डी चिपिंग। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि केपिंग। फ्रेंड्स अगर हम बात करें वेरियस डेफिनेशन की तो केपिंग इज पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ टेबलेट। इसी तरीके से लेमिनेशन इज सेपरेशन ऑफ टेबलेट इंटू टू और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। अगर उनको दो या दो से अधिक लेयर में अगर वो सेपरेट होती है तो वो लेमिनेशन प्रॉब्लम कहलाएगी। इसी तरीके से पिकिंग की बात करें तो मटेरियल इज पिक्ड अप बाय द अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टेबलेट। जब हम टेबलेट का फॉर्मुलेशन करते हैं तो जो अपर वाली पंच के वजह से मटेरियल पिकअप हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं पिकिंग। इसी तरीके से स्टिकिंग की बात करें तो मटेरियल स्टिक्स टू द वॉल ऑफ डाई। अगर हम टेबलेट फॉर्मुलेशन करें और डाई की वॉल के चारों ओर आपका मटेरियल स्टिक हो जाए तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा टेबलेट का वो स्टिकिंग कहलाएगा। इसी तरीके से चिपिंग की बात करें तो इट अकर्स व्हेन द एजेस ऑफ टेबलेट ब्रेक ड्यूरिंग द प्रेस प्रोसेस और ड्यूरिंग द हैंडलिंग एंड कोटिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स डू ह्यूमन हैव। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 14। तो फ्रेंड्स ह्यूमन बींग के अंदर कितनी क्रैनियल नर्व के पेयर होते हैं, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि 12। फ्रेंड्स जनरली जो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रैनियल नर्व होती है उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स्ड नर्व। और अगर हम बात करें पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व की तो ये 12 होती है। फर्स्ट ऑल्फैक्टिव नर्व, सेकेंड ऑप्टिक नर्व, थर्ड ओक्यूलोमोटर नर्व, फोर्थ ट्रोक्लियर नर्व, फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व, सिक्स्थ एब्ड्यूसेंस नर्व, सेवंथ फेशियल नर्व, एट्थ ऑडिटोरी नर्व जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की वजह से हियरिंग लॉस कर सकती है। नेक्स्ट नाइन्थ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, टेंथ वेगस नर्व जो कि हार्ट में पाई जाती है, इलेवंथ स्पाइनल एसेसरी नर्व एंड ट्वेल्थ हाइपोग्लोसल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एंटी डेंड्रफ एजेंट? ऑप्शन ए जिंक सल्फेट, ऑप्शन बी सेलेनियम सल्फाइड, ऑप्शन सी जिंक कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी सोडियम फ्लोराइड। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि सेलेनियम सल्फाइड। फ्रेंड्स अगर हम बात करें जिंक सल्फेट की तो इट इज एक्ट एज एस्ट्रिंजेंट एंड इमेटिक एजेंट, सोडियम फ्लोराइड इज एक्ट एज एंटी कैरीज एजेंट एंड एंटी डेंड्रफ एजेंट के रूप में आपका रहेगा सेलेनियम सल्फाइड, जिंक अंडेसिलेनेट एंड बिथोनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द सडन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इन हार्ट मसल्स रिजल्ट इन? ऑप्शन ए डीपोलराइजेशन, ऑप्शन बी रीपोलराइजेशन, ऑप्शन सी स्लो डीपोलराइजेशन एंड ऑप्शन डी स्लो रीपोलराइजेशन। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि डीपोलराइजेशन। फ्रेंड्स अगर हम हार्ट मसल्स के अंदर जो आपकी साइकिल होती है उसकी बात करें तो ये जनरली 5 फेज में आती है, जिसमें सबसे पहली बात करें हम फेज 4 की तो इसके अंदर सेल रेस्ट में रहेगी और ये डायस्टोलिक कंडक्शन शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं फेज 0, ये आपकी डीपोलराइजेशन स्टेट है, इसके अंदर एक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल होगा एंड रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होगा। नेक्स्ट देखते हैं फेज 1, इट इज रैपिड इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल ओपन एंड क्लोज रैपिडली, जिसे हम बोलते हैं नॉच, और नॉच वाली कंडीशन फेज 1 के अंदर होती है। नेक्स्ट देखते हैं फेज 2, जिसको हम स्लो रीपोलराइजेशन कहते हैं और ये एक प्रकार की प्लेटू फेज होती है। एंड फेज 3, जिसे हम रैपिड रीपोलराइजेशन कहते हैं और इस फेज के अंदर पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं और पोटेशियम आयन लीक आउट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सोनटेंटेन रिएक्शन ऑफ एलोय इज आल्सो नोन एज? ऑप्शन ए नाइट्रिक एसिड टेस्ट, ऑप्शन बी नाइट्रस एसिड टेस्ट, ऑप्शन सी ब्रोमीन टेस्ट एंड ऑप्शन डी बोरेक्स टेस्ट। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि बोरेक्स टेस्ट। फ्रेंड्स बोरेक्स टेस्ट या फिर सोनटेंटेन रिएक्शन की हम बात करें तो इसका प्रोसेस इस तरीके से रहेगा। 2 5 ml ऑफ द अबव टेस्ट सॉल्यूशन, एड 0.2 ग्राम ऑफ प्योर बोरेक्स एंड हीट जेंटली टिल इट गेट्स डिजॉल्व। ट्रांसफर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इनटू टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद डिस्टिल वाटर एंड द अपीयरेंस ऑफ ग्रीन कलर फ्लोरेशेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एलोय इमोडिन एंथ्रेनॉल सो इट्स प्रजेंस। यानी अगर एलोय इमोडिन एंथ्रेनॉल की प्रजेंस रहेगी तो अपने आप ग्रीन कलर फ्लोरेशेंस आ जाएगी जो कि एलोइज के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से हम बोरेक्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसे हम सोनटेंटेन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इंसुलिन इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग ऑप्शन ए 21 अमीनो एसिड, ऑप्शन बी 31 अमीनो एसिड, ऑप्शन सी 41 अमीनो एसिड एंड ऑप्शन डी 51 अमीनो एसिड। तो फ्रेंड्स इंसुलिन के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि 51 अमीनो एसिड। फ्रेंड्स इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाई बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास फ्रॉम आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस। इट कंसिस्ट ऑफ 51 अमीनो एसिड इन 2 चेन्स। चेन ए हैव 21 अमीनो एसिड वाइल चेन बी हैव 30 अमीनो एसिड। यानी 2 चेन होगी, चेन ए और चेन बी, जिससे इंसुलिन बनेगा। और चेन ए के अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी के अंदर 30 अमीनो एसिड होते हैं, तो टोटल मिला के आपका 51 अमीनो एसिड हो जाते हैं। देर आर 3 डाइसल्फाइड लिंकेज बिटवीन चेन ए एंड चेन बी, ये भी कई बार पूछा जाता है। और दीज आर फाउंड बिटवीन A7 and B7, यानी ए चेन के 7th जो अमीनो एसिड है और बी चेन का जो 7th अमीनो एसिड है, उन दोनों के बीच में एक डाइसल्फाइड लिंकेज होगी। इसी तरीके से सेकेंड डाइसल्फाइड लिंकेज होगी ए चेन के 20वें अमीनो एसिड से और बी चेन के 19वें अमीनो एसिड से। एंड थर्ड डाइसल्फाइड लिंकेज आपकी विद इन ए चेन होगी, यानी एक चेन के 6 अमीनो एसिड और यही चेन के ही 11th अमीनो एसिड के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सिप्रोफ्लोक्सासिन इज ए? ऑप्शन ए क्यूनोलिन ड्रग, ऑप्शन बी क्यूनोलोन ड्रग, ऑप्शन सी आइसोक्यूनोलोन ड्रग एंड ऑप्शन डी क्यूनोक्लिडिन ड्रग। तो फ्रेंड्स इसका क्या एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि क्यूनोलोन ड्रग्स। फ्रेंड्स देखो सिप्रोफ्लोक्सासिन आपकी फ्लोरोक्यूनोलोन डेरिवेटिव होती है, तो इसका मतलब ये क्यूनोलोन ड्रग है। इसके अंदर क्यूनोलिन रिंग पाई जाएगी, बाकी ये जो ड्रग है, ये जो डेरिवेटिव है, वो क्यूनोलोन का डेरिवेटिव ही कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अदर एग्जांपल ऑफ फ्लोरोक्यूनोलोन्स आर नोरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, पेफ्लोक्सासिन एंड टीमाफ्लोक्सासिन।
डीज इनिबिट डीएनए काइनेज एंजाइम, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एन इम्पोर्टेंट डाइसाइक्लिक टर्पीन इज, ऑप्शन ए लेमोनिन, ऑप्शन बी पाइनिन, ऑप्शन सी साइमिन एंड ऑप्शन डी माइरिसिन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी उन्होंने बहुत ही अच्छा पूछा है एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि पाइनिन। फ्रेंड्स यहाँ पे डाइसाइक्लिक टर्पीन पूछा है, न कि डाई टर्पीन पूछा है, यानी ऐसी टर्पीन जिसके अंदर दो साइकिल बनी हुई है, तो वो वाला टर्पीन हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मोनोटर्पीन्स की, तो इन सभी के अंदर दो आइसोप्रीन यूनिट होती है और उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C10H16 रहता है, क्योंकि एक आइसोप्रीन यूनिट का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो है C5H8। तो दो आइसोप्रीन यूनिट अगर कंबाइन हो जाती है तो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला C10H16 हो जाएगा। अगर हम बात करें लिमोनिन की, तो एक प्रकार की ये मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पीन है, यानी इसके अंदर एक ही साइकिल पाई जाती है और ये मोनोटर्पीन है। पाइनिन की बात करें तो ये बाईसाइक्लिक या डाईसाइक्लिक मोनोटर्पीन है, यानी जो मोनोटर्पीन है उसके स्ट्रक्चर में दो साइकिल पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका डाईसाइक्लिक टर्पीन के अंदर जो आंसर रहेगा वो पाइनिन ही रहेगा। इसी तरीके से साइमिन की बात करें तो ये भी एक प्रकार की मोनोटर्पीन है और ये एल्काइल बेंजीन रिलेटेड मोनोटर्पीन है। एंड माइरिसिन की बात करें तो ये ऐसी मोनोटर्पीन है जिसके अंदर कोई भी रिंग नहीं पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे मोनोटर्पीन्स के ऑप्शन हैं, और डाइसाइक्लिक मोनोटर्पीन्स का एकमात्र उदाहरण यहाँ पे पाइनिन ही है। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इज इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ ड्रग, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अच्छे से लर्न करें। ऑप्शन ए सिन्ना, ऑप्शन बी डिजिटेलिस, ऑप्शन सी जिंजर एंड ऑप्शन डी नक्स ओमिका। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि नक्स ओमिका। फ्रेंड्स द माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नक्स ओमिका इंक्लूड लिग्निफाइड यूनिसेल्युलर कवरिंग ट्राइकोम्स। माइक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक देखें तो सबसे पहला इसके अंदर लिग्निफाइड यूनिसेल्युलर कवरिंग ट्राइकोम पाए जाएंगे, ट्राइकोम का मतलब हेरी लाइक स्ट्रक्चर। सेकेंड कोलैप्स सेल लेयर इन सीड कोट। एंड थर्ड एंडोस्पर्म इज मेड अप ऑफ पॉलीहेड्रल लिग्निफाइड सेल्स विद प्लाज्मोडेस्माटा, यानी आपकी जो सेल्स है वो एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्माटा का जंक्शन बनाते हुए जुड़ी हुई रहती है। इट आल्सो कंटेन एल्यूरोन ग्रेन्स एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कोल्चिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए इंडोल एल्कलॉइड, ऑप्शन बी क्यूनोलिन एल्कलॉइड, ऑप्शन सी ट्रोपेन एल्कलॉइड एंड ऑप्शन डी अमीनो एल्कलॉइड। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि अमीनो एल्कलॉइड। फ्रेंड्स कोल्चिकम और मिडो सेफ्रॉन सीड ऑफ ऑटम क्रोकस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइप सीड ऑफ कोल्चिकम लूटियम या फिर कोल्चिकम ऑटमले फैमिली लिलिएसी। इट हैव ट्रोपोलोन एल्कलॉइड और अमीनो एल्कलॉइड्स कोल्चिसिन एंड कोल्चिसिन इज यूज इन गाउट एंड र्यूमेटिज्म। इट आल्सो इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग 150 से भी ज़्यादा वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। अगर आप किसी भी फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट एग्जाम हो, जीपेट एग्जाम हो या नाइपर एग्जाम हो, तो हमारे वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आप उन्हें निरंतर देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज मा हुआंग इज द सिनोनिम फॉर, ऑप्शन ए कन्वोल्वुलस माइक्रोफाइलस, ऑप्शन बी पिकोराइजा कुरो, ऑप्शन सी एफेड्रा सिनिका एंड ऑप्शन डी जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर इसका आंसर आप चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल सके। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।